लाल सलाम। साथियों, समय कम है, अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले अभी जो 6 दिसंबर गया, बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस गया, बाबा साहेब अंबेडकर को हम आज यहाँ से याद करते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश में बाबा साहेब अंबेडकर ना होते, हमारे देश में अगर संविधान ना होता, तो मैं इस बात को आज बोल सकती हूँ शायद हम आज यहाँ खड़े होकर अपनी बात ना कर पा रहे होते। इसीलिए आज बाबा साहेब अंबेडकर को और उनके दिए गए संविधान को याद करना बहुत जरूरी है। साथियों, आज हम सारे स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है सरकार के द्वारा कि आप देश की बात क्यों करते हैं, आप देश में मजदूरों की बात क्यों करते हैं, आप देश की महिलाओं की बात क्यों करते हैं, आप सिर्फ अपने कैंपसेस की इश्यूज को उठाइए, आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप राजनीति के बारे में बात मत करिए, आप इस बारे में बात मत करिए कि क्यों पिछले हफ्ते इस देश के किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ा, आप इस बारे में बात मत करिए। लेकिन हम अपनी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश के अंदर डेमोक्रेसी पे बात करना, यूनिवर्सिटी का काम नहीं है? क्या एक छात्र का काम ये नहीं है कि वो इस चीज के बारे में बात करे, इस चीज के बारे में लिखे कि क्यों इतने सालों तक वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ पाया और आज भी ये सरकार इस तरह की सारी नीतियों को ला रहा है जिसमें आपके बच्चे या हमारे जैसे छात्र ये सारे विश्वविद्यालयों से बाहर हो जाएं, इस तरह की नीतियों को ये सरकार ला रहा है। साथियों, मैं सिर्फ 3 बातें यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि ये सरकार विश्वविद्यालयों के अंदर आज कर क्या रहा है। सबसे पहले आपको बताएं तो ये सरकार सर्कुलर पे सर्कुलर लाता है, रोज एक नया फरमान, आता है जिसमें ये लिखा होता है कि किस तरह से हम विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले गरीब के बच्चे को यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से बाहर कर दें। इस तरह के फरमान रोज आते हैं। अगर आज यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के हम लोगों ने रिजर्वेशन लिया तो इस तरह के फरमान आएंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो दलित का बच्चा पढ़ पा रहा है वो ना पढ़े, रिजर्वेशन को खत्म करने की, इस तरह के फरमान आज ये सरकार ला रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर ना सिर्फ एक छात्र बल्कि एक कौन सा प्रोफेसर यहाँ पर पढ़ाएगा उसमें भी एक नया रोस्टर लाकर सरकार ये तय कर रहा है कि बहुजन टीचर्स जो है कैंपसेस के अंदर, आदिवासी टीचर्स जो है कैंपसेस के अंदर, वो कैंपस से बाहर हो जाएं और किसी भी तरह से इस कैंपस में महिलाओं की बात ना हो, आदिवासी की बात ना हो, किसी गरीब की बात ना हो, किसी दलित की बात ना हो, किसी मुसलमान की बात ना हो। ये इस सरकार की पूरी साजिश है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 4.5 साल के अंदर इस सरकार ने इस तरह के फरमान लाकर इस चीज को इस्टैब्लिश करने का कोशिश किया है कि ये यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही पढ़ेगा जो अमीर बाप का बेटा है, कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही पढ़ेगा जिसके माँ बाप पहले से पढ़े लिखे हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस विश्वविद्यालय के अंदर, स्कूलों के अंदर गरीब के बच्चे को पढ़ने की कोई जगह नहीं है। इस तरह की सारी की सारी सरकार अपने फरमान और अपनी पॉलिसी को लाया है। साथियों, आपको एक और बात बता दें, कैंपस में, विश्वविद्यालय के अंदर जब हम सरकार की इस सारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब हम सरकार की इस तरह की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ये सरकार क्या करता है? ये सरकार अपने छात्र संगठन ABVP, जिसका पूरा नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा हम सभी लोगों के ऊपर मार पिटाई करवाता है। ये सरकार अपने ऑफिसेस के अंदर, नागपुर के ऑफिस के अंदर बैठ के इस तरह की नीतियां बनाता है कि आम जनता इस देश की विश्वविद्यालयों से बाहर हो जाए, वो विश्वविद्यालयों को फिर से अंबानी और अदानी के हाथों में बेच दें। जिस तरह से आपने देखा होगा स्कूल की शिक्षा में, आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों का जानबूझकर इतना खराब हालत इन लोगों ने कर दिया ताकि सबको मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए। इसी तरह से आज के लोगों की ये साजिश है
कि देश भर के अंदर ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, देश भर के अंदर जो ये सारी यूनिवर्सिटी है जो हमारे देश की जनता के पैसों से चलती है, उस यूनिवर्सिटी को बंद करके फिर से अदानी और अंबानी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर छात्र पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। आज जो 250 रुपए में जेएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्र चाहे तो पढ़ाई कर सके, उस यूनिवर्सिटी का दरवाजा बंद करके ये चाहते हैं कि अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट के अंदर छात्र जाए और 1.5 लाख रुपए का फीस दे, यही भविष्य ये यूनिवर्सिटीज का देखना चाहते हैं। साथियों, हम भी आज इनको ये बताने के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं कल इसी दिल्ली शहर के अंदर, थोड़ी ही दूर पे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने आकर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और आकर बोला कि मंदिर को हम वही बनाएंगे। ये कल उन्होंने किया। तो आज हम सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो अमन पसंद लोग यहाँ पर आए हैं, उनको यही बोलने के लिए आए हैं कि आप अपनी नफरत की राजनीति से, भीड़ द्वारा उकसाई गई हिंसाओं के द्वारा इस देश के अंदर जो नफरत बढ़ना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि एक पुरुष एक महिला से नफरत करे, आप जो चाहते हैं कि ब्राह्मण एक दलित के साथ शोषण करे और उसको उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करे जो 30 सालों करता आया है, आप जो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर चलना बंद कर दें, आप जो बार बार मुसलमानों को एंटी नेशनल बताते हैं, हम आपको ये बताने के लिए आए हैं आपकी ये नफरत की राजनीति को हम डिफीट करेंगे और हम इसको डिफीट कर भी रहे हैं। अपने कैंपसेस के अंदर, अपने विश्वविद्यालयों के अंदर जो हमारे मूलभूत सवाल है, शिक्षा का जो हमारा मूलभूत सवाल है, रोजगार का, हम उन सवालों को पूछेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि क्यों आपने एक ऐसी विश्वविद्यालय को अभी से टैग ऑफ एमिनेंस दे दिया जो विश्वविद्यालय अभी तक बना ही नहीं है। अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट को आपने टैग ऑफ एमिनेंस दे दिया, लेकिन वो सारे विश्वविद्यालय जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे महिलाएं पढ़ती हैं, उन विश्वविद्यालयों के अंदर क्यों आप फंडिंग को कम करें, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। हम आपसे सवाल पूछेंगे क्यों जेएनयू के अंदर जहाँ पर 250 रुपए में एक छात्र पढ़ सकता था, आपने उसकी सीट को कम कर दिया, क्यों आप ये कर रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जहाँ से मैं खुद आती हूँ, मैं आपको बताऊँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। लॉ की पढ़ाई मैं 3 साल के अंदर 5,000 रुपए देके कर रही हूँ। अगर हमारा ये विश्वविद्यालय बंद हो जाता है तो कहाँ से हमारे जैसी महिलाएं आकर इतने कम फीस के अंदर पढ़ पाएंगी, और अगर हम लोग 5,000 रुपए में नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें कल को ये लोग बोलेंगे जाइए जी इंस्टीट्यूट में 5 लाख रुपए दीजिए, तभी आप वकील पढ़ सकती है, तभी आप वकालत कर सकती है। हम उनको, साथियों, हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो ये कर क्यों रहे हैं, असल में छात्रों के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों है, असल में कैंपसेस के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों है। क्योंकि आप इस बात को मानिए, इसी विश्वविद्यालय से निकल के आपका बच्चा, गरीब का बच्चा, एक दलित, एक मुसलमान, एक महिला कल को देश भर के अंदर जाकर इस बारे में बात करता है कि इतने वर्षों तक आपने हमें अपना गुलाम क्यों बना के रखा, और इनके ये जो राजनीति है उस मॉडल को एक्सपोज करता है। वो पूछता है सवाल और इसी सवालों से ये लोग डरते हैं, इसीलिए बार बार हम जैसे छात्रों को देशद्रोही बोलते हैं, बार बार कैंपसेस के अंदर निजीकरण की इस तरह की नीतियों को लाते हैं ताकि कैंपस के दरवाजे हम लोगों के लिए बंद हो जाए। लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम भी आपकी एक एक इस पॉलिसी, एक एक इस नीति के खिलाफ लड़ेंगे। हम लड़ रहे हैं और अब हम आ चुके हैं। अब आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि इस देश में लड़ाई तो असल में दो ही लोगों के बीच में है, एक वो लोग जो नथुराम गोडसे के चेले हैं, एक वो लोग जो नागपुर के अंदर बैठ के इस भारत को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं, और एक हम जैसे लोग जो इस देश के वासी हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए आज उतरे हैं, और बाबा साहेब के संविधान में और नथुराम गोडसे के आरएसएस की उस शाखाओं में आज इन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई है। और हम इस बात को गर्व से बोलेंगे कि हम संविधान के पक्ष में खड़े हैं, और हर बार हमने आपके जैसे गुंडों को हराया है
इस पूरे दुनिया में हिटलर भी हारा था, मुसोलिनी भी हारा था, तो आज ये नरेंद्र मोदी भी हारेगा और आरएसएस भी हारेगा। शुक्रिया इनकलाब, जिंदाबाद।